हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस प्रोडक्ट को हम रिव्यू करने वाले हैं, वो है ये मकैफीन की हैंड क्रीम। आप देख सकते हो इस टाइप की पैकेजिंग में ये आता है। चलिए ओपन करते हैं इसको। इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग है इसके अंदर। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ml, और इस पर लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स। इसका मतलब कोई भी स्किन, ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा इस पर लिखा है। अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है मेरी स्किन के लिए, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 325। आप देख सकते हो 325 इसका प्राइस है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे मिला है, और आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे प्रमोशन के लिए मिला है, बट ऐसा नहीं है। ये मैंने नायका से ही मुझे फ्री में मिला है, और वो ऐसे मिला है कि मैंने इसको जो है अपने कार्ट में एक्चुअली ऐड किया हुआ था पहले से ही, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी कि मुझे ये लेना है। बट मैंने जब परसों रात देखा तो ये ऑफ़र में था। ये था कि किसी भी मकैफीन का एक प्रोडक्ट लेने पर आपको ये जो है हैंड क्रीम फ्री में मिल रही थी, तो मुझे लगा जब हैंड क्रीम फ्री में मिली रही है तो मैं कुछ और ऑर्डर कर लेती, तो मैंने साथ में फूड स्क्रब ऑर्डर कर लिया, और जिसके साथ मुझे ये हैंड क्रीम जो है वो फ्री में मिला। कि जो हम खरीदने वाले हैं वो फ्री में ही मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये क्रीम जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है। जो भी इसका ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता दूँ कि आज हम इसमें एक रिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। रिंग टेस्ट हम ऐसे करेंगे, आप देख सकते हो मेरे हाथ जो है अभी मैं वॉश करके आई हूँ, और मैंने इस पर कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है, और काफ़ी जो है ड्राई स्किन जो है इस टाइम मेरी दिख रही है। और अगर मैं इसमें ये रिंग पहन रही हूँ, क्योंकि आपके हाथ जब ड्राई होते हैं और रिंग भी आपकी बिल्कुल फिटेड हो तो वो नहीं आती है। आप देख सकते हो ये वाली जो रिंग है, इस टाइम में अगर इसको पहनने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मेरी फिंगर भी रेड हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये क्रीम जो है मेरे हाथ को इतना मॉइस्चराइज कर पाएगी कि जो रिंग है वो आसानी से मुझे आ जाए। तो चलिए टेस्ट करते हैं एक बार। मकैफीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगती है कि वो बहुत ही कम क्वान्टिटी में लगते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। जैसे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सूदिंग इफेक्ट इससे मिल रहा है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि रिंग आती है या नहीं आती है। तो यस, आ गई है अब रिंग मुझे, और ये मुझे जो है वो बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं दे रही है, और जो सारी क्रीम है वो भी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो गई है, और जो अब मेरे हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिलीव्ड फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से काम किया इस क्रीम ने, आई थिंक अच्छा मुझे लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स फील मुझे आ रहा है और काफ़ी सॉफ्ट मुझे अपने हाथ लग रहे हैं, तो इसका फील तो मुझे बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आई थिंक आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो हैंड क्रीम यूज़ कर रही थी वो कामा आयुर्वेदा की थी। कामा आयुर्वेदा की हैंड क्रीम भी बहुत ही अच्छी क्रीम है, बट उसकी उसमें मुझे दो प्रॉब्लम्स लगती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी पंजेंट स्मेल है, तो वो मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे सिर में चढ़ती है। और उसके बाद जो मुझे इसमें प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो क्रीम जो है वो इतनी महंगी होती जा रही है। जब भी देखो वो एक ट्यूब मेरी ख़त्म होती है और नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। अब वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी मेरी पॉकेट पे हैवी होने लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि मकैफीन के आज तक मैंने दो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। ये बॉडी बटर मैंने इसका यूज़ किया है, और बॉडी पॉलिशिंग ऑयल आज तक मैंने इसका यूज़ किया है। तो बॉडी बटर और बॉडी पॉलिशिंग ऑयल में जो कॉफ़ी की स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बट इसमें जो है वो काफ़ी माइल्ड स्मेल है कॉफ़ी की। इनफैक्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस इसमें से आ रही है। मुझे अगर कोई बताए ना कि ये कॉफ़ी का प्रोडक्ट है तो मैं शायद मैं इसको स्मेल करके गेस नहीं कर पाऊँगी कि इसमें कॉफ़ी एडेड है। बात करते हैं मॉइस्चराइजेशन की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, विटामिन ई हो गया, शिया बटर हो गया, स्वीट आमंड ऑयल हो गया, ये सारे ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो आई थिंक इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ऐड किए हुए हैं, और इस पर लिखा भी हुआ है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं वो नेचुरल हैं। आगे से मैं इसी को बाय करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सारी हैंड क्रीम्स तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आती हैं और बहुत ही कॉस्टली होती जा रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। आपको तो ये ट्राई करना चाहिए, इट्स अ थम्स अप फॉर मी। सो आज के लिए बस इतना ही, बट लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।